बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पेपर हैकर में। मैं सूरज राज आज की फिल्म देखने वाले हैं। बेटा जो भी छात्र देखो कानपुर यूनिवर्सिटी का पेपर आप देख रहे हैं, ये जो पेपर है बेटा वो कानपुर यूनिवर्सिटी का है, ठीक है? ये कानपुर यूनिवर्सिटी का है, याद रख लेना है। कानपुर यूनिवर्सिटी का पेपर है और ये बीएससी सेकेंड ईयर वालों का पेपर है, आप देख रहे हैं, ठीक है? और आप देख रहे हैं 2022 का जो भी कल परसों पेपर हुआ है उसका पेपर आप देख लीजिए एक बार। और ये है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट पेपर, देख लीजिए 50 नंबर का था। कुछ हमने आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए थे, आप सभी को पता होगा हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देते हैं। आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो आपको नहीं मिल पा रही है तो आप क्या करिएगा, पेपर हैकर डॉट इन सर्च करिए, गूगल पर सर्च करेंगे पेपर हैकर, आपको स्पेस नहीं देना है, पेपर हैकर डॉट इन, यहाँ डॉट लगाएंगे और यहाँ इन कर देंगे, पेपर हैकर डॉट इन सर्च करना, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा पेपर हैकर डॉट इन, उस पर आप टच कर देना है। टच करने के बाद में एक वेबसाइट खुलेगी जिसमें आप जिस क्लास में है, हाई स्कूल में, इंटर में, बी ए बी एस सी बी कॉम, आपका भाई बहन कोई भी है उन्हें बताइए कि पेपर हैकर डॉट इन पर जाने के बाद में आपको सारे के सिलेबस आपको वहाँ मिल जाएंगे, नोट्स, पी डी एफ, एप्लीकेशन वगैरह सब कुछ वहाँ मिलेगी, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, समझ रहे ना? हमने इतनी सुविधाएं की आपके लिए कि आपको कोई भविष्य में, भविष्य कह रहा ना, भविष्य फ्यूचर में आने वाली, मतलब कि आपको माइंड की जरूरत नहीं पड़ेगी लगाना, बस आपको ये करना है, क्लिक करना है और आपके सामने सब कुछ होगा, समझ रहे ना? तो देखो नई टेक्नोलॉजी आई है तो नया सब कुछ करना पड़ेगा आपके लिए, पीछे वाला नहीं करना कि पेच लौटना है या किसी को सर्च करना है, ऐसा कुछ नहीं करना। आप सिंपली पेपर हैकर डॉट इन पर जाओ, वहाँ आपको जो चाहिए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, एमसीक्यू वीडियो चाहिए या फिर कुछ और चाहिए, वो सब कुछ आपको वहाँ मिल जाएगा प्रॉपरली, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इस पेपर को देख लेते हैं। कुछ लोग कह रहे थे कि सर इस पेपर में 70% जो आपने बताया था वो 70% आया था, हमसे किसी स्टूडेंट ने बताया कि 70% प्लस गया था ये पेपर, आपने जो क्वेश्चन बताए थे वही आए थे लेकिन 70% फंसा था, ज़्यादा नहीं फंसा, जो आप 85% बोलते हो, तो मैं चेक कर लेता हूँ कितना फंसा, लेकिन हाँ मैं आपसे इतना गारंटी देता हूँ कि आपको फेल नहीं होने दूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। आपको जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं वही आप डाउनलोड भाई पढ़ लीजिए, भाई उसी के नोट्स मिल जाएंगे हमारी वेबसाइट पर पेपर हैकर डॉट इन पर जाकर डाउनलोड कर लीजिए, सब कुछ आपको हम प्रोवाइड करा रहे ताकि आपको कोई भविष्य में कोई दिक्कत ना हो, समझ रहे हैं? कोई भविष्य में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। अब ध्यान से देखना एक बार, अभी इनऑर्गेनिक का पेपर हुआ है, ठीक है? अब इस पेपर को देखिए एक बार सभी लोग, देखो इसमें सेक्शन ए की बात करेंगे पहले, सेक्शन ए में शॉर्ट क्वेश्चन पूछे गए, लघु उत्तरी प्रश्न पूछे गए, ठीक है ना? अब यहां देखिए, यहां कह रहे हैं 3 मार्क्स का आपको करना है, यदि आप इस क्वेश्चन को अटेंड करते हैं सभी क्वेश्चनों को, तो 3-3 नंबर का मिलेगा, प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, वो कह रहा है साफ 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 आपको नजर आ रहा है, तो आप चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेना। देखो ये वाला जो क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है ना, ये वाला देखिए, पहला क्वेश्चन का ए कह रहा है जेड आर और एच एफ के भौतिक और रासायनिक गुणों के बारे में बताना है, ठीक है? भौतिक और रासायनिक गुण क्या है वो आपको बताना है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन मैंने आपको इंपॉर्टेंट नहीं दिया तो छोड़ दीजिए, जो हम इंपॉर्टेंट नहीं देते उसकी हम बात भी नहीं करते, ना ही मैं कहता हूँ कि भाई ये क्वेश्चन आया, क्योंकि वो हम मुझे बताना है, वो आपके सामने रखना है जो पेपर में छपे थे पेपर, ठीक है? अब इस क्वेश्चन को देखिए, ये बोल रहा है, अब बी वाले ऑप्शन को देखना है, दूसरा क्वेश्चन है। अब यह कह रहे हैं निम्नलिखित यौगिकों में केंद्रीय धातु के प्रभावी परमाणु क्रमांक की गणना कीजिए। देखो मैंने आपसे बोला ना, ई ए एन, ऐसा कोई पेपर नहीं जाएगा जो आपसे पूछेगा नहीं, जिसे कहते हैं इफेक्टिविक एटमिक नंबर, ठीक है? अब इसको देखिए, ये ऐसा कोई पेपर नहीं जाएगा ये इसके बारे में ना पूछे। अब देखिए 3 यहां ऑप्शन बने हैं, मतलब कि एक एक नंबर का ये क्वेश्चन बना है। आप मुझे बताइए 3 नंबर ये फंसे, ध्यान से समझते रहना, कोई दिक्कत नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूँ भाई, क्योंकि मैं आपको जो बताता हूँ वही पेपर में आएगा, बाकी कुछ नहीं आएगा। चौथे को तीसरा क्वेश्चन देख लो, 3 नंबर का फंस चुका है। यह है जलीय समवेता आयनिक समवेता, पूरा क्वेश्चन सभी कराए हैं मैंने इंपोर्टेंट, पूरा देख लीजिए। देखो 2 ऑप्शन थे, दोनों ऑप्शन करना था, 3 नंबर के पूरा क्वेश्चन फंसा है, दोनों क्वेश्चन फंस चुके हैं 3-3 नंबर के। चलो डी वाले ऑप्शन पहुंच जाओ, डी वाला ऑप्शन कह रहा है उभयधर्मी पदार्थों की व्याख्या, उभयधर्मी पदार्थ कौन से होते हैं हमसे पूछा है, ये क्वेश्चन मैंने आपको नहीं दिया था तो छोड़ दीजिए। यहाँ जी एफ ब्लॉक एलिमेंटों की व्याख्या, उसकी आवर्त सारणी में संकर तत्वों से क्या है, यहां कह रहे हैं उनकी आंतरिक ठीक है संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं। अब देखिए जो एफ ब्लॉक एलिमेंट के बारे में आपको इंपोर्टेंट नहीं दिया, छोड़ दीजिए। देखो जो नहीं दिया उसकी बात नहीं करूंगा, लेकिन जो अदर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है वो एक बार देख लो, ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं 2022 के पेपर में। अब यहां देखिए, और सभी छात्र जो छात्र देख रहा है, जिसने पेपर मुझे नहीं भेजा है, सेंड नहीं किया है, वो व्हाट्सएप पे सेंड कर दो पेपर को,
वो छात्र व्हाट्सएप पे सेंड करते हैं पेपर को। यहां देखिए, निम्नलिखित आयनों की आपको अधिकतम चुंबकीय आघूर्ण बताना है, इसमें अधिकतम चुंबकीय आघूर्ण किसका है, ठीक है, वो आपको बताना है। उसके बाद में यहाँ सेक्शन नंबर बी में पहुंच जाइए। सेक्शन नंबर बी में देखो, यहाँ 5 क्वेश्चन थे, सॉरी 6 क्वेश्चन थे। यहाँ यहाँ लग रहा है मुझे एक पेज इन्होंने नहीं भेजा है, 10 क्वेश्चन होना चाहिए था शायद। यदि 5 क्वेश्चन होंगे तो 25 नंबर के हो जाते हैं, सॉरी 5 क्वेश्चन है तो 3 के हिसाब से F है ना, ये F है तो 6 क्वेश्चन है यहाँ। यदि 6 5 30, 6 3 18, 18 नंबर के, ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ लगभग में 10 क्वेश्चन होंगे और 30 नंबर का होगा, ये ऐसा कुछ होगा, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, 6 क्वेश्चन यहाँ मेंशन हो रहा है, मुझे दिख रहा है। अब यहाँ देखिए सेक्शन नंबर बी में पहुंच जाइए। सेक्शन नंबर बी में आपको 2 क्वेश्चन दिए, देखो यहाँ कह रहा है आपको 8 क्वेश्चन, प्रत्येक 8 क्वेश्चन का 2 क्वेश्चनों के उत्तर दीजिए, कि नहीं 2 क्वेश्चनों को उत्तर देना है, लगभग 8 क्वेश्चन होंगे ये बोल रहा है, सॉरी 8 नंबर का होगा, 8 मार्क्स बोल रखा है, 8 नंबर का होगा, 2 क्वेश्चन आपको करना है, प्रत्येक क्वेश्चन 8 नंबर का होगा, मतलब कि 16 नंबर के आपके क्वेश्चन होंगे। लॉन्ग वाला कितने होगा बेटा, 16 नंबर का होगा, एक बार चेक कर लो सभी लोग। अब देखो यहाँ क्या बोला गया है, ध्यान से देखना, यहाँ बोला गया है वहां 9 नंबर के आपके फंस गए थे, 3 क्वेश्चन फंसे थे 6 क्वेश्चन में से। अब यहाँ देखिए, वो चेक कर लेंगे दोबारा से कितने क्वेश्चन फंसे थे। अब यहाँ देखिए, यह चुंबकीय रासायनिक श्रेणी पूरा क्वेश्चन भाई आया, देखो लॉन्ग वाला पूरा क्वेश्चन फंस गया। विद्युत रसायन कह सकते हैं, विद्युत केमिकल सीरीज जो बोला गया है वो क्या होती है, उसका उपयोग कहाँ किया जाता है, उनके नियम की। अब अपना पूरा क्वेश्चन ये फंसा है, अब लगा लो कितने नंबर का था ये, 8 नंबर का क्वेश्चन फंसा है, 8 नंबर का ये फंसा है, देख लो। यदि आप ये ना कर सको तो इसका देखो ये वाला क्वेश्चन कर सकते हो, इसके हिंदी वाला देख लो, वर्नर के उपसंयोजक सिद्धांत के बारे में पूरा क्वेश्चन यही फंसा है, देख लो, बताइए उसकी विशेषता पूरे आपके बारे में, मूलर मूलरता के प्रदर्शन पूरा क्वेश्चन भी बताया, 8 नंबर का पूरा क्वेश्चन फंसा है, देखो इससे बाहर कुछ नहीं जा रहा। देखो यार जो बताते हैं वही क्वेश्चन में आता है। अब देखो इसके बारे में उन्होंने कुछ मूलरता के बारे में कुछ पॉइंट रख रखे हैं, जैसे कि उपरोक्त यौगिक का सूत्र और बनाम बताना है जो आप बनाओगे, और यहाँ बोला गया है उनकी ज्यामितीय समवयता के बारे में, पूरा क्वेश्चन भाई फंसे हैं जो हम बने आपको बताए थे। चौथे क्वेश्चन की ओर चले जाइए, यहाँ है देखो चतुर्थ और फोर्थ श्रेणी के, मतलब कि चतुर्थ का मतलब होता है 4D और 5D श्रेणी के तत्वों के बारे में, ठीक है। चुंबकीय व्यवहार आपको बताना है, तुलना कीजिए आघूर्ण के और से, देखो यहाँ कह रहा है चुंबकीय संतुलन, और वो भी गॉय विधि द्वारा आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ आप एक बार देख लीजिए, जो गॉय विधि था, गॉय विधि द्वारा जो चुंबकीय आघूर्ण हमने बताया था, चुंबकीय आघूर्ण चुंबक किसी तत्व का चुंबकीय आघूर्ण किस तरीके ज्ञात करते हैं, गॉय विधि द्वारा। और एक और विधि थी, 2 विधि मैंने आपको बताया थी, 2 विधि इसमें एक विधि आता है, पूरा क्वेश्चन आया, और 3D 4D श्रेणी के तत्वों की आपको व्यवहार तुलना करनी है, 3D और 4D श्रेणी की, इन दोनों की आपस में करना था, मतलब कि यहाँ बोला गया चतुर्थी और 5th श्रेणी है। तो ये क्वेश्चन आपको पूरा क्वेश्चन मैंने इंपोर्टेंट दिए थे, वही क्वेश्चन आया, 8 नंबर का ये फंसा है, देख लो वो ज्यादा नहीं करना है। यदि आप ये क्वेश्चन ना कर सके तो नीचे वाला आप कर सकते हैं, ये वाला देखिए, इस क्वेश्चन को एक बार रीड कर लीजिए, अमोनिया से ज्यादा सारी ये क्वेश्चन नहीं दिया था, इसकी तुलना प्रबलता के लिए नहीं दिया था मैंने क्वेश्चन, छोड़ दीजिए इसको, ये तीसरा भी नहीं दिया था, Cl और OH एक अम्लीय है बल्कि जो NOH है, ये भी नहीं दिया था, तो छोड़ दीजिए। सेक्शन नंबर सी में पहुंच जाइए, मतलब कि आपके 16 नंबर वो पूरे जाते हैं, प्लस 9 नंबर उधर लगा लेते हैं, प्लस ये कितने नंबर का है, ये भी आपका 8-8 नंबर का है बेटा, ये भी कितने का है, 8-8 नंबर का है। यदि देख लीजिए 8-8 नंबर का है, तो आप देखते हैं यहाँ यदि बात की जाए कितने हो जाएंगे बेटा, ये हो जाएंगे तुम्हारे 25 हासिल दो 3, 35 नंबर फंस चुके हैं अब तक, 35 नंबर का फंसा है, ध्यान रखना 35 नंबर का फंस चुका है। अब हम जाते हैं, ये भी लॉन्ग है, ये भी लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, तो आप देख सकते हैं सेक्शन नंबर सी में, ये भी आपको 8 नंबर का है, कोई 2 क्वेश्चन को अटेंड करना है, कोई 2 क्वेश्चनों को अटेंड करना है। अब देखिए नीचे जाइए, यानी 2 क्वेश्चनों को अटेंड करना है, 8 नंबर आपको मिलेंगे, एक बार यहाँ चेक कर लेना, ये है आयस किसे कहते हैं बेटा, आयस किसे कहते हैं, आयस के सांद्रण में क्यों किया जाता है, ठीक है। और आप देख सकते हैं अमोनिया तत्वों के कैसे निष्कर्ष किया जा सकता है, देखो आप ये बताइए, आयस के बारे में मैंने शायद नहीं दिया था, ये पता नहीं मुझे, क्लियर पता नहीं है, लेकिन नीचे चलते हैं, यहाँ बोला गया है लैटिमर आरे को समझाइए, इनके महत्व के बारे में बताइए, छोड़ दीजिए नीचे वाले क्वेश्चन को जाइए, ये कौन सा क्वेश्चन है, लेंथेनाइट संकुचन, देखो ये पूरा क्वेश्चन आ गया, लेंथेनाइट संकुचन क्या होता है, उनके प्रमुख कारण के बारे में एक क्वेश्चन फंस गया। ये देखिए आयनन विलयन विधि द्वारा लेंथेनाइट तत्वों के बारे में पूरा क्वेश्चन फंसा है, 8 नंबर का, पूरा 8 नंबर का क्वेश्चन फंसा है, देख लेना 8वां क्वेश्चन है शायद, ठीक है, पूरा क्वेश्चन फंसा है। और उसके बाद में नवा देखो क्वेश्चन देखिए, ये है ब्लाइक किसे कहते हैं, ब्लाइक कौन से होते हैं, ये तो तुम 8वीं में पढ़े हो,
8वीं में सब पढ़े होते हैं, ब्लाइक क्या होते हैं उनकी विशेषताओं का उदाहरण बता रहा है। ये भी क्वेश्चन बड़े आराम से ब्लाइक के बारे में आप बिल्कुल आराम से करा सकते हो, ठीक है। तो आप लगा सकते हो लगभग यही मैं 8 नंबर ही मानू, ना ज्यादा मानू तो 8 नंबर ये और 25 नंबर ये, वो कितने हो गए 35 नंबर, वो कितने हो गए तो कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे, 8 5 13 हासिल 1 और 3 3 4 43 नंबर हो गया। अब ये 50 नंबर का पूरा पेपर था भाई, कितने नंबर का था 50 नंबर का, अब समझ रहे हो ना 50 में से कितने फंसे हैं 43 नंबर का फंसा है, इंटू कितना यही तो फंसा है ना 3 2 6 3 3 3 9 कितने फंसे थे चेक करें दोबारा से, शायद 35 नंबर का 43 नंबर दिखा रहा मुझे, तो एक क्लियर कर लेते हैं एक बार। एक बार कितने का होता था 16 + 8 = 24 मान लो, और प्लस कितने थे 6, कितने हो गए ऐसा था ना 6 फंसे थे ना 6 नहीं 9, 9 नंबर का वेरी शॉर्ट क्वेश्चन फंसे थे, कितने हो गए ये हो जाएंगे 5, हाँ सर 1 2 और 1 3 35 नंबर का फंसा है बेटा, 35 नंबर का फंसा है देखो 35 × 2 मतलब कितना हो गया 70%, बिल्कुल सही है। जिस बंदे ने बताया कि सर 70% फंसा था, बिल्कुल सही, उस छात्र ने बताया था कि 70% इसमें पेपर आया था, फर्स्ट पेपर 70 आया था, तो थोड़ा बाहर से गया है मान सकते हैं, कुछ क्वेश्चन जो थे वो डीपली उन्होंने पूछे हैं, लेकिन आप इन क्वेश्चनों को जो छूट जाते हैं ना 30% मान लीजिए आपसे छूट गया तो उसको बना बना के करके आओ यार, या आप ये नहीं है क्वेश्चन को छोड़ के चले आओगे, कभी नहीं छोड़ना है, कुछ भी हो जाए आपको याद हो या ना हो बस आपको उस क्वेश्चन को बना बना के करके आना है, क्योंकि आपको कुछ नया करना है, सही है। आप देखो मान लीजिए आप पहले बुक क्वेश्चन क्या करो जो आपको आ रहा है, उसके बाद में बना बना के करो जो आपको नहीं आ रहा है, क्योंकि देखो एग्जामर जब आपकी कॉपी चेक करेगा तो क्या करेगा बेटा, मान लीजिए कॉपी एग्जामर चेक करेगा तो क्या करेगा, वो सबसे पहले ये देखेगा कि भाई पहले स्टार्टिंग में कॉपी लास्ट थोड़ी चेक करता है एग्जामर, स्टार्टिंग से करेगा भाई ये भी सही है ये भी सही है, इतने 2 नंबर 4 नंबर 8 नंबर उठाओ इतने हो गया। अब आपके अब मान लो सही सही नंबर तो उसको पॉइंट करना ही करना है जो आपने सही किया है, अब मान लीजिए आपको याद नहीं है अब वो करना स्टार्ट करना है लास्ट में, वो कर दीजिए फटाफट फटाफट जो भी करना है बना बना के कर दीजिए। अब जब कर दोगे मान लीजिए वो आपका लिखा होगा ना, तो वो जो पीछे देखेगा यार इस बंदे ने सबको सही किया है, तो हो सकता है इसने कहीं यहां थोड़ा सा अपनी तरह से मनगणना किया हो, लेकिन वो आपको नंबर जरूर देगा ये मैं आपसे बोल सकता हूँ, नंबर जो देगा जहां 5 नंबर देने का होगा वहां 2 नंबर जरूर दे देगा, ये क्लियर। 8 नंबर का पेपर है, 8 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपको यहाँ 3 नंबर जरूर मिल जाएंगे, 3 से 4 नंबर। अब हाफ पर मतलब 50% मिल जाते हैं ना, यदि मान लीजिए आपके 35 नंबर फंसे, 35 × मान लीजिए 3 और मतलब 3 नंबर और जुड़ जाते हैं, यहाँ 3 और जुड़ जाते हैं तो कितने हो जाते हैं आपको क्या हो जाते हैं 38। अब 38 को 2 से गुणा कर दीजिए, 8 × 16 हो जाता है, हासिल 1 6 और 1 7 76% हो जाता, समझ रहे ना, तो इस तरीके से आपको समझ लेना है, तो ये इस तरीके से आपको समझ लेना, मतलब कि आपको लास्ट में बना बना के करना, पहले वो करना है जो आपको याद है, उसके बाद वो करना है जो आपको याद नहीं है, ठीक है। ये तरीका होता है सही तरीके से करना, क्योंकि आपको एग्जामर जब कॉपी चेक करेगा स्टार्टिंग से तो उसे नंबर देना ही देना है, कंपलसरी है भाई, वो नंबर देगा और बाद में नहीं देगा, अब बाद में जब आपने कुछ करोगे नहीं तो देगा ही नहीं, और आप कुछ करे आओगे तो हो सकता है उसका दिल करे 1-2 नंबर पेल दे आपको, समझ रहे हैं ना, तो समझ लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और बाकी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखे हैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, हमारी साइट का paperhacker.in पे जाइए, नोट्स को डाउनलोड कर लीजिए, आल वीडियो देख लीजिए, प्लेलिस्ट का लिंक उस पर मिल जाएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना, बाय बाय, टेक केयर, सभी लोग ध्यान रखें, पढ़ो और अच्छे नंबर से पास होना है।